संबल पुलिस ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली नकली दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने एक बंद पड़ी मेंढा की फैक्ट्री में छापेमारी करके नकली दूध बनाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के केमिकल और उपकरण भी बरामद किए हैं। मामला थाना हयात नगर क्षेत्र के पास का है, जहां शुक्रवार की देर रात पुलिस ने एक बंद पड़ी मेंढा की फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने नकली दूध बनाते 4 आरोपियों को फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया, जिनका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी उत्तराखंड के काशीपुर से काट केमिकल खरीद कर लाते थे और उसको ग्लूकोज सिरप और रिफाइंड ऑयल के मिश्रण में मिलाते थे, जिसके बाद उस केमिकल का रंग दूध जैसा हो जाता था और फिर दूध का पाउडर मिलाते ही वो हूबहू दूध जैसा ही लगता था। ये चालाक घोटालेबाज इस तरह से मिलावट करते थे कि उनका फैट और SNF असली दूध के बराबर हो जाता था, जिसे वो बड़े ही आसानी से आसपास के इलाकों और जिलों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 11 टन रिफाइंड ऑयल, 23 किलो सफ़ेद पाउडर, 17 बोतल सफ़ेद केमिकल और ग्लूकोज के ड्रम और पीपे भारी मात्रा में बरामद किए हैं। जिस तरह से हर घर में दूध का सेवन अत्यधिक किया जाता है, ऐसे में मोटे मुनाफे के चक्कर में ऐसे मिलावटखोर लोगों की सेहत से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे लोगों को अनेकों बीमारियां भी हो रही है। ऐसे में ये मामला संभल पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता जरूर है। ये संभल में हयात नगर थाना क्षेत्र में ग्राम गोहत में एक मेंथा की बंद फैक्ट्री थी, जो वीर सिंह की फैक्ट्री थी, वहाँ पे सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस ने दबिश दिया तो वहाँ पे भारी मात्रा में केमिकल पदार्थ मिले, ड्रम मिले और इसमें जो मिलाने वाले पाउडर हैं वो सब मिले, उनको वहां से रिकवर किया गया है। इसी में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसका मास्टरमाइंड जो है प्रमोद, वो भी गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ में वहां पे 11 ड्रम रिफाइंड ऑयल और 23 किलो पाउडर सफ़ेद पीला और 17 सफ़ेद केमिकल बोतल, ग्लूकोज सिरप, रिफाइंड ऑयल और ये काशीपुर से लेकर आते थे ये सारी चीज़ें और यहाँ पे मिला करके उसको नकली दूध बनाते थे और एरिया में सप्लाई करते थे, आसपास के जिलों में बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा आदि क्षेत्रों में सप्लाई करते थे और भारी मात्रा में नकली सिंथेटिक दूध बना करके सप्लाई करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, इनसे भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, इनके साथ अब विधि कार्रवाई की जा रही है।